हम तो बहुत सारे इवेंट्स पे जा रहे हैं नवरात्रि पे, ताकि हम मिल जुल के एक सेलिब्रेशन बांट सकें सबके साथ। और ऑफ कोर्स ये एक ऑस्पिशियस डे है कि हम रिलीज कर रहे हैं इस पे। और मैं बस यही कहूँगा कि जिस तरह से आप नवरात्रि सेलिब्रेट करते हो, उसी तरह से आके पिक्चर देखिए, क्योंकि एक वही एक किस्म की सेलिब्रेशन है। और नवरात्रि में सबको परमिशंस भी मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा बाहर जाने में और लेट आने में, तो थोड़ा वक्त हमारी पिक्चर के लिए भी निकालिए। मोर एक्साइटमेंट देन नर्वसनेस. नर्वसनेस तभी महसूस होता है जब मैं सोचती हूँ कि भैया क्या हम मार्केटिंग और करना चाहिए, क्या लोगों तक ये संदेशा पहुँच रहा है कि नहीं कि लव ब्रेकअप जिंदगी 7 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. आई थिंक दिस ओनली टाइम दैट आई फील अ लिटिल नर्वस. नहीं तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम रियली हैप्पी. इतनी एनर्जी और कहाँ से आएगी, वो खुशी से तो आती है. बार तो प्रोड्यूसर भी बने तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और बहुत सारे लोग हमारे ऊपर बहुत बहुत फेथ लगाए कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। तो ना सिर्फ हमारे लिए, लेकिन उन सबके लिए जिसने इतनी मेहनत और लगन और प्यार से काम किया कि ये पिक्चर उनके लिए भी एक गर्व का मामला हो। और 7 अक्टूबर के लिए हम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। जब आप खुद एक्टर रह चुके हैं तो, और जब आप प्रोड्यूस करने लगते हैं तो आपका सेट इनहेरेंटली एक्टर फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मिस्ड ऑन सम ऑफ द सेट्स दैट यू वर इन, एंड यू ट्राई एंड ब्रिंग इन दैट एटमोसफियर ऑफ कॉमराडरी ऑफ फ्रेंडशिप. एक्टर बच्चों की तरह होते हैं, उनको बच्चों की तरह उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी छोटी छोटी नीड मांगों का ख्याल रखना पड़ता है. यू नीड टू मेक देम फील वांटेड एंड कंफर्टेबल. हमारा बहुत बड़ा बजट नहीं था तो हम लोग पागलों की तरह पैसे खर्च नहीं कर रहे थे, लेकिन जो हमारे हद में था वो हमने यही कोशिश किया कि उन सबको ऐसा एक माहौल दे जहाँ पर वो वांटेड फील करे, खुशी महसूस हो उन्हें, और एक एक एनवायरमेंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बना रहे. तो बहुत जब जब ऐसे लोग के साथ काम करने का मौका मिलता है तो आपको लगता है कि यार सचमुच पिक्चर बनाने में और करने में मज़ा आ रहा है। तो बस मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग सब बहुत बहुत अच्छा काम किया। यही कहूँगा कि हमने 20 एपिसोड्स बनाए जो आपको देखने मिलेगा इंटरनेट पे, ताकि आपके हर कोई सवाल का जवाब है उसमें कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ, कैसे मिलजुल के काम किया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि साइरस से लेके पल्लवी तक, वैभव, उमंग, सत्यदीप, टिस्का और इत्रा जितने भी हैं, वो इतने अवेयर एक्टर्स हैं। वो मतलब जब आए सेट पे तो ऐसे लगा नहीं हमें कि ये लोग न्यू कमर्स हैं।